नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि साईं कृपा का भंडार अपरंपार है, जो बाबा को नमन करके अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है उसे फिर किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं होती है। अहंकार से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बाबा के चरणों में अपने अहंकार को अर्पित करना है। मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो, उस पर अपनी सारी चिंता छोड़ दो, अपने शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ, भूल जाओ अपने आप को और साई में रम जाओ। तो चलिए आज हम आपको साई चरित का अध्याय बतलाते हैं, जिसमें कि 2 वर्ष पूर्व ही महानिर्वाण का संकेत साई बाबा ने दिया था। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। यह ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण एवं दुर्बल होने लगा। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह समय प्रोजीजी नारके के दिनांक 5/11/1918 के पत्र के अनुसार है। उन्होंने दादा साहेब खापर्डे को लिखा था, साई लीला पत्रिका के पृष्ठ 7-8 प्रथम वर्ष में प्रकाशित हुआ था। इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका कि घटना इस प्रकार है। विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमा उल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी दुगनी प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुख मंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा कि लोगो यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी भय से कांप रहे थे, किसी को भी उनके समीप जाने का साहस ना हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भागोजी सिंध, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने लंगोटी बांध दी और उनसे कहा कि बाबा यह क्या बात है, देव आज दशहरा का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि यह मेरा सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक भी उनका क्रोध शांत न हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में शामिल हो गए। इस घटना द्वारा बाबा ने संकेत किया था कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी को भी उसका असली अर्थ समझ में न आया। बाबा ने और भी अन्य संकेत दिए जो कि इस प्रकार हैं। तात्या व रामचंद्र को जीवन दे, बाबा ने जीवन छोड़ा। कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था, सब प्रकार के उपचार किए गए परंतु कोई लाभ न हुआ और जीवन से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा अनायासी उनके सिरहाने प्रकट हुए। पाटिल उनके चरणों से लिपट कर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं, अब कृपा कर मुझे इतना तो निश्चित बतलाइए कि मेरे प्राण अब कब मिलेंगे। बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भेद किसी से प्रकट न करना और न ही उसे बतलाना, अन्यथा वह अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अब पूर्ण स्वस्थ हो गए थे, परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश हुए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने यह भेद बाला सिंपी के अतिरिक्त किसी से भी प्रकट न किया। केवल 2 ही व्यक्ति, रामचंद्र दादा और बाबा सिंपी बाला सिंपी, तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे।
रामचंद्र ने सैया त्याग दी और वे चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा। शाके 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर अश्विन मास प्रारंभ होने ही वाला था कि बाबा के वचन पूर्णतः सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गया और उसने चारपाई पकड़ ली। उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वह बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गया। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरि पर, जो उनके संरक्षक थे। तात्या को स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई। वह हिल भी डुल भी नहीं सक रहे थे और सदैव बाबा का स्मरण किया करता था। इधर बाबा की स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी। बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया। तब रामचंद्र दादा और बाला शिप्पी बहुत घबरा गए। उनका शरीर कांप रहा था, पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी कि अब तात्या का अंतिम समय। जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी की गति मंदी होने लगी और उसकी मृत्यु सन्निकट दिखाई देने लगी। तभी एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उसके प्राण बच गए, परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया हो। सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दासगणों को पंडरपुर में स्वप्न दिया कि मस्जिद अर्रा करके गिर पड़ी है। सीढ़ी के प्राय सभी तेली तंबोली मुझे कष्ट देते थे, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूँ कि शीघ्र वहाँ जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ। दासगणों को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरि नाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की माला गुथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। हमने आपको अभी साईं चरित की कथा बतलाई है। आगे की कथा आपको अगले एपिसोड में बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम साईं राम। ओम श्री साईं नाथाय।